मॉर्निंग फ्रॉम असम। अभी हम लोग गुवाहाटी में हैं और ये है गुवाहाटी का नेक्स्ट डे यानी दूसरा दिन। आज हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं गुवाहाटी में टूरिस्ट स्पॉट या देखने लायक क्या क्या है। हम लोग का पहला पॉइंट तीन झंडी टेंपल और सिटी का व्यू पॉइंट, वो उधर जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग लगभग आधा किलोमीटर पैदल चढ़ के ऊपर आए हैं पहाड़ के ऊपर। ये पहाड़ का नाम है काला पहाड़। और अभी एक अंकल बोला कि ये सीढ़ी से जाने में हम लोग का बहुत शॉर्टकट होगा, चलिए इधर से जाते हैं। बहुत ऊँचा है, बहुत ऊँचा 1.3 किलोमीटर हम लोग को पैदल चढ़ना पड़ रहा है तब पहुंचेंगे। इधर सीढ़ी वाला रास्ता को बोलता है चिपा रास्ता। दो तीन अंकल को पूछा तो पता नहीं चल रहा था हम लोगों की चिपा रास्ता क्या है, तो ये लोग सीढ़ी में ये शुरू रास्ता वाले को चिपा रास्ता बोलते हैं। देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। ये है रास्ता तीन झंडी मंदिर जाने के लिए। अभी तो व्यू पॉइंट तक पहुँचा नहीं है, उसके पहले ही व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। तो अभी तक आधा रास्ता है नहीं, हमने चार बार रुका और रेस्ट लिया 10 मिनट कर करके। मेरा पूरा सांस फूल रहा है, इसको तो कुछ नहीं होता है, वो पूरा आगे आगे भागे जा रहे हैं मेरे लिए, फिर लौट के आ रहे हैं। अब बार बार बोलते हैं चल चल चल, अब थोड़ा बाकी है थोड़ा बाकी है, चार बार बोला कि थोड़ा बाकी है, अभी तक आया भी नहीं मंदिर। चलिए देखते हैं कितना दूर जाना पड़ा। इतना बड़ा गाड़ी का देखिए पूरा हालत ख़राब हो रहा है, पूरा गांव 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 करके जा रहा है। यह तीन झंडी मंदिर, ये सीढ़ी पूरा चढ़ना पड़ेगा, इसमें 700 सीढ़ी है। बाप रे, मेरा तो सांस फूल रहा है। आप लोगों को कितना कुछ दिखाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है हम लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मंदिर सिटी के बीचों बीच स्थित है। गुवाहाटी सिटी को सिटी ऑफ टेंपल के नाम पे भी जाना जाता है। ये एक बजरंगबली का मंदिर है और यह है सिटी का बेस्ट व्यू पॉइंट और सिटी का सबसे ऊंचा पॉइंट ये। हम लोग का पहला स्पॉट घूम लिया, अभी नीचे उतर रहे हैं, पूरा थक गया। ये है चिपा रास्ता यानी सीढ़ी का शॉर्टकट रास्ता। हम लोगों का दूसरा पॉइंट कामाख्या मंदिर, सिटी से 8 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत में स्थित है ये मंदिर। ये मंदिर को वर्ल्ड फेमस माना जाता है और ये 51 शक्तिपीठ में से सबसे फेमस है। यहाँ शक्ति माता का योनि का पूजा किया जाता है और इस मंदिर कंपाउंड में बहुत सारे आसपास और देव देवियों का मंदिर है। यहाँ 4 कक्ष है, एक है गर्भगृह और 3 ठो है मंडप। बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं, पूजा देने के लिए भी आते हैं। तो हम भी आए हैं गुवाहाटी तो एक बार घूम लिए क्या क्या है, बहुत सुने हैं तो एक बार देख भी लिया, आज अच्छा है। भूख बहुत लग गया था इसलिए बिरयानी खाने के लिए आए यहाँ, और यहाँ बिरयानी खा के हम लोग का बाकी सारा जो स्पॉट है घूमने वाला वो सभी इधर का आसपास ही होगा। इसको शायद मटके में दम दिया जाता है इसलिए इसे नाम है क्या। यह है मेरा वाला और यह है चटनी। खाना खाने के बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बिरयानी मोटा मोटी है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, खाने में अलग से लग रहा है इसीलिए अच्छा लग रहा है। अलग से एक तो टेस्ट का बिरयानी आज ट्राई किया। दो एक तो अलग से मसाला है इधर का, वो मसाला सिर्फ टेस्ट अलग लग रहा है।
ये बैठने का जगह बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं। ये ग्रेस का लॉन है और ये है अंबाड़ी जामा मस्जिद के नीचे ही है ये होटल। इसका नाम है द टेस्ट ऑफ लखनऊ मटका बिरयानी। यहाँ इंडियन सोल्जर और स्टूडेंट के लिए 10% डिस्काउंट है। ये देख के अच्छा लगा कि स्टूडेंट और सोल्जर लोगों को आप कुछ डिस्काउंट मिलता है 10%, तो आप यहाँ आ सकते हैं और बिरयानी खा सकते हैं। दिहोली पुखुर, चलिए देखते हैं अंदर क्या है। मैं तो इसको देखने के लिए आया, आई लव गुवाहाटी। ये रात को बहुत, इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है रात को। पार्क में घुसने के बाद दाहिने तरफ बच्चों के लिए छोटा सा पार्क है, तो ठीक ठाक है, सुंदर है। ये पुखुर है, इसका नाम है दिघोली या दिघली। गूगल मैप में दिघली लिखा हुआ है और यहाँ आके देखा, इसमें इसका नाम है दिघोली, दिघोली पुखुर। पुखुर से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा होने पे पुखुर को लेक कहा जाता है। ये पुखुर नहीं, लेक है। बाएं तरफ है डेकोरेटेड रोड, फ्लावर गार्डन। साइड में है डेकोरेटेड रोड। ये टाइप ऑफ विक्टोरिया लग रहा है मुझे। यहाँ सारे कपल बैठा हुआ है और हम वीडियो बना रहे हैं, सबको बहुत बढ़िया दिक्कत हो रहा है। उधर है गेट, इधर से ही घुसे हम लोग। बढ़िया जगह है, इस लेक का निर्माण किया था राजा भगदत्ता ने। पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ ये लेक जुड़ा हुआ था और इसको पोर्ट या डॉकयार्ड के हिसाब से यूज़ किया जाता था। बाद में इस लेक का उत्तरी भाग को मिट्टी से भर के उसके ऊपर ब्रिटिश सर्किट हाउस बनाया गया था और गुवाहाटी हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय को बनाया गया है। यह है दिघोली पुखुर, ये घूम लिए हम लोग। हम लोग गुवाहाटी के जो मेन सिटी है या सिटी का जो मेन सेंटर है वहीं पे है अभी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और बाकी सारे टूरिस्ट स्पॉट लोकल मार्केट पार्ट 3 में देखने मिलेगा। तब तक के लिए बाय। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।